सविता सब नीचे गिरा रही हो। हर बार मैं आपको मुसीबत में डालती हूं, बनाती कम बिगाड़ती ज्यादा हूं। ये काम भी मैंने बिगाड़ दिया। अब जाके परिवार में कुछ अच्छा हो रहा था, मैंने वो भी नहीं होने दी। सविता तुम खामखा देखो, ये छोटी मोटी गलतियां सबसे होती रहती हैं। छोटी मोटी पूरे 4 लाख का नुकसान हुआ है। जितनी गुणी और निपुण बनती हूँ उतनी हो नहीं, एक नंबर की नालायक हूं मैं। आप सही डांट लगाते हो मुझे, मुझे आप कुछ करने ही मत दिया करो। तेरी वजह से कुछ अच्छा नहीं होता। देखो सविता, इस वक्त जो भी है हमारा तुम्हारी वजह से है। हमारा परिवार परिवार तुम्हारी वजह से है। खबरदार, अगर कभी खुद को दोष दिया तो, और ये सब बातें भूल जाओ। अभी तुम कह रही थी ना, मुझे कुछ करने मत दीजिए। मैं भी यही चाहता था सविता, हमेशा, पर ऐसा हुआ नहीं। और जिस तरह से तुमने इस घर को संभाला है, तुम सच में गुणी हो, निपुण हो, और इसलिए मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं और ना कभी रोकूंगा। बाहर से भले ही मैं तुम पे कितना गुस्सा करूं, और अंदर से गर्व करता हूं तुम पर। हैप्पी दिवाली। ये आप मेरे लिए लाए? मुझे लगा ये रंग तुम पे अच्छा लगेगा। सविता घर में शादी है, अगर तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं रही तो मैं दुनिया भर की लाइटें लगा लूं, सब फीकी की फीकी रह जाएंगी। बस इसी तरह मुस्कुराती रहो, देखना हंसी खुशी सारे काम होते रहेंगे। आज हल्दी है, कल मेहंदी होगी, देखना सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। और पैसे कहां से लाएंगे? खाने वाले का, टेंट वाले का, सबका बिल तैयार है। अरे तुम उसकी चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, अभी जाके ओमकार जी से और उधार लेकर आता हूं। और वो भी तो चुकाना पड़ेगा ना, उधार पे उधार चढ़ता रहेगा। बेटे की शादी है और तुम्हारी खुशी के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूं। हैप्पी दिवाली।
पैसे मिल गए। यही है वो सारा गद्दा जो कल उनके घर गया था। एक एक गद्दा चेक करो, देखो वो कीमती सामान इसी किसी न किसी गद्दे में होगा। में से तो किसी में कुछ भी नहीं है। वो जो श्रीवास्तव के यहाँ जो फंक्शन में गया है गद्दा, कहीं उसमें तो नहीं चला गया है? श्रीवास्तव के यहाँ? हाँ, चलो चलते हैं, चलो। अरे क्या हुआ, चलो। कुछ आवाज आई वहां से। अरे कोई चूहा होगा, हमें श्रीवास्तव के यहाँ जाना है, वो गद्दा मुझे चाहिए तो चाहिए, जल्दी चलो। तो लॉक करके गए, मैं क्या करूंगी? ओह नो, यहां तो नेटवर्क भी नहीं है। यार वो कहां मिलेगा? और कैमरामैन गोल्डी के साथ मैं गुंजन, ओडी न्यूज। एक मिनट। हाँ श्रेया, हेलो 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 गुंजन। अब हाँ श्रेया बोलना। मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, प्लीज तू कुछ कर ले। अरे वाह, आ गए हमारे दूल्हे राजा। अरे बड़े हैंडसम लग रहे हो, देखो देखो देखो, बैठो। हेलो, सब कुछ ठीक है ना? ऐसा क्यों पूछ रही हो? अरे तुम्हारे दिमाग का क्या भरोसा, कब प्यार का पॉपकॉर्न उछलने लगे। श्रेया की याद तो नहीं आ रही है ना नवाब? अच्छा सुन, चिंता मत कर, मैं अभी पापा को कॉल करके सब बताती हूँ। नहीं 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 नहीं, पापा को मत बताना, बेकार में परेशान हो जाएंगे, अब उनकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। प्लीज तू ही कुछ कर, कुछ रास्ता निकाल प्लीज गुंजन। श्रेया पर मैं रिपोर्टिंग के लिए बाहर आई हूँ, पहुँचते पहुँचते तो मुझे शाम हो जाएगी। अगर अंकल को नहीं बताऊँ तो फिर किसे बताऊँ? प्लीज तू ही कुछ कर, कुछ रास्ता निकाल प्लीज गुंजन। अरे जवाब दो, तुम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है ना? हाँ सब सही चल रहा है। गुड, यही चेक करने के लिए कॉल किया था। अब सिर्फ शादी और शादी के फंक्शन पे ध्यान दो। ओके अब अच्छा लिसन, मुझे एक दूसरा कॉल आ रहा है, हम बाद में बात करते हैं, बाय। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। क्या या कंफर्म? ओके या श्योर श्योर, हाँ हाँ डन, मैं पहुंच जाऊंगी, कंफर्म कंफर्म मैं पहुंच जाऊंगी। जी थैंक यू गॉड, यू अरे 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 क्या हुआ? अरे अरे संभल कर। अरे लेकिन हुआ क्या मॉम?
हमने जो ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजा था ना, वो उन लोगों को इतना पसंद आया, मेरा सिलेक्शन हो गया है। का रोल? बहुत बड़ी फिल्म है मॉम, उसमें मुझे रोल मिल गया। वाह बेटा वाह। मुंबई जाने से पहले ही तुझे अच्छी खबरें आने लगी। वैसे जाना कब है? दो दिन में, दो दिन बाद। दो दिन बाद? हाँ। दो दिन बाद तो तेरी शादी है बेटा, कैसे जाएगी? मॉम शादी वादी होती रहेगी, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, मैं ये चांस नहीं गंवाने वाली। पर बेटा तेरे पापा? I don't care, मैं तो भाग रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। अरे बेटा पर मुंबई किससे गप्पे मार रहे हो तब से? प्रीति भाभी से। जब देखो प्रीति भाभी से बातें करते रहते हो। अभी ना फोन को थोड़ा साइड पे रखो, समझे? झट मंगनी पट ब्याह मम्मी करा तो रही है ना। हाँ। थोड़ा तो सब कर लो हीरो। मम्मी इनको हल्दी वल्दी लगाना कहाँ ही पसंद होगा, ये तो टैटू वाली जनरेशन है। अच्छा प्रीति भाभी के नाम का टैटू कब करवा रहे हो? हाँ? बस बस कितना छेड़ते हो उसको, बैठ जा बेटा। माया धागा देना, ये ले। ये धागा पहना रही हूँ तुझे, इसे उतारना मत, ये तुझे बुरी नजर से बचाएगा। हाँ, शादी होने तक तू घर से बाहर कदम नहीं रख सकता। अरे अरे करता हूँ ना बात, अरे मैं बात करूंगा, फोन करूंगा बाद में। हेलो हेलो, बैटरी चला गया, मसले ही खत्म नहीं होते यहाँ। नहीं ये तो मेरे, सुनिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये आपके लिए है भी नहीं, ये सविता जी के लिए है। क्या आप उन्हें दे देंगे? सासू माँ के लिए? जी हाँ जरूर जरूर, थैंक यू, हैप्पी दिवाली। आपको भी। अदिति बेटा दिया लेके आना, और मैं अभी लेकर आती हूँ। सासुमा हाँ, ये आपकी दोस्त ने भेजा। अच्छा यही रख दीजिए। मम्मी ले आई दिया। भाभी लाओ इधर लाओ। अरे कहाँ जा रहा है? मैं आता हूँ मम्मी। अरे बैठ बेटा। मैं आता हूँ वॉशरूम से आता हूँ। अरे हेलो। हेलो वैभव। हाँ गुंजन क्या हुआ? अरे तुझे पता है क्या? हाँ, श्रेया को वहां से जल्दी निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। प्लीज जल्दी कुछ करो वैभव। अरे वो श्रीवास्तव के यहाँ भी गद्दे नहीं मिले यार, अब कहाँ ढूंढे उसे, पता नहीं कौन सा हीरा जड़ा हुआ उसमें। एक गद्दा नहीं ढूंढ पा रहे तुम लोग, दोबारा चेक करो। इस तरीके से तो कोई औरत दो ही केस में करती है, या तो उसके पति का कुछ चक्कर होता है या फिर कोई पैसे का लफड़ा हो। ढूंढो इसी किसी न किसी गद्दे में वो पैसा मिलेगा तुम लोगों को। एक एक कोना गद्दे का चेक करो, उधर देखो कुछ है क्या।
इधर देखो, नीचे वाला गद्दा चेक करो, तुम भी देखो उधर। अरे कौन है लड़की, और इसके हाथ में तकिया कैसा है? पकड़ो, छीनो तकिया। इधर तो तकिया। छोड़ो, कि मेरा है। छोड़ो। श्रेया। वैभव कहाँ चला गया ये? अरे क्या कहाँ चला गया? तब से यही पहरेदार बन के खड़ी हो क्या? उड़ के चला जाएगा? अरे यही था, पता नहीं कहाँ चला गया ये भी। वैभव। अरे ये तो खिड़की से उड़ के चला गया। हाँ, लेकिन गया कहाँ? अरे क्या हूँ, चलो जल्दी सासू माँ को बताना पड़ेगा। उठो, आग लग रही है, उठो। सविता क्यों इतनी चिंता कर रही है? आ जाएगा ना, यहीं कहीं गया होगा। मैंने वैभव से खास बोला था कि शादी तक दरवाजे के बाहर कदम नहीं रखेगा। नहीं नहीं, दरवाजे से बाहर कहा होगा ना आपने, लाडले खिड़की से निकल लिए। हल्दी का फंक्शन आधे में छोड़ के चला गया, मेहमान भी उसका इंतजार करके चले गए। अरे मम्मी टेंशन मत लो, आ जाएगा वो, हो सकता है दोस्तों से मिलने गया हो। मैडम जी लाइटें लग गई हैं, स्विच ऑन करूं? अरे इसमें पूछने की क्या बात है भाई, सासू माँ ने इतना खर्चा किया है, दिखाओ जरा जला के। जाओ जला दो। वाह सासू माँ, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। हाँ एकदम शादी वाला घर लग रहा है अभी। पापा ये देखो लाइटिंग कितनी प्यारी लग रही है ना। क्या हुआ, आप ओमकार जी से मिलने गए थे ना पैसों के लिए? नहीं दिया, बोले पहले ही इतना बड़ा रिस्क लेके उधार दिया था और नहीं दे सकता। अरे पर बिना पैसों के शादी का खर्चा कैसे चलाएंगे? अरे 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 अब ये लाइट को क्या हुआ? अभी लाइट जाना था, वो भी दिवाली के दिन। पर बाहर तो सबकी लाइट है, लगता है हमारी नहीं है। बस क्या सिर्फ हमारे घर की लाइट गई? हाँ। अरे वो हीरो क्या बात है ये, हाँ ऐसी कैसी लाइटिंग की है कि फ्यूज ही उड़ा दिया? भैया जी फ्यूज वगैरह सब एकदम बराबर है, मुझे तो लगता है बिजली विभाग वालों ने आपके घर की बिजली पीछे से ही कट कर दी है। अरे हमको कौन सा छुपम छुपाई खेलना था जो बिजली कट कर दी है, पूरे रतलाम में हमारे घर मिला था। ऐसी बात कर रहा है? अरे भैया जी आप लोगों ने बिजली का बिल ही नहीं भरा होगा इसलिए कट गई होगी लाइट। नहीं नहीं मैंने तो रोहित को पूरे पैसे दिए थे बिल के। रोहित बिजली का बिल भरा? क्या हुआ, अंधेरे में सुनाई भी नहीं देता क्या?
क्या पूछ रहे तेरी मम्मी? बिजली का बिल भरा था ना? वो पापा वो बिजली बिल का मैं बिजली बिल भरना भूल गया। भूल गया? बिजली का बिल भरना ही भूल गया? घर में शादी है, दिवाली चल रही है और तू बिजली का बिल भरना ही भूल गया? सॉरी पापा। क्या सॉरी रोहित? आराम से आपका बीपी बढ़ जाएगा। सविता तुम सिर्फ बचाव करती रहो अपने बेटों का। अब जाने दीजिए ना, त्योहार का दिन है। अंधेरे में मनाइए त्योहार। अंधेरे में चमकता हुआ सितारा सासू माँ की आंखों का तारा। कहाँ थे यारा? लाइट्स क्यों ऑफ है? बाकियों के घर की तो लाइट जल रही है। हमारे बड़े भैया ने ना ये दिवाली गिफ्ट दी है, इसलिए हमारे घर की गई है। वो सब छोड़, पहले बता तू कहाँ था? श्रेया के पास। मसले नंबर दो, उस लड़की से कोसों दूर रहने को कहा था मैंने, फिर भी अपनी हल्दी छोड़ के तो उससे मिलने चला गया। मम्मी उसकी जान खतरे में थी इसलिए उसे बचाने गया था। और रही बात गद्दे की, तो हमारे गद्दे जले नहीं थे, वो गद्दे वाले झूठ बोल रहे थे। वो उसी गद्दे के पीछे पीछे गई ताकि हमारा पैसा मिल सके, और उन्होंने फिर उसे घेर लिया और मैं तो सही समय में पहुंच गया, नहीं तो नहीं पता उसके साथ क्या हो जाता। मतलब वो अपनी जान की परवाह किए बगैर सासू माँ का गद्दा लाने चली गई? जी, पर अब कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि पहले गद्दे नहीं जले थे, अब जल गए। मतलब इतने एक्शन और ड्रामे के बाद भी पैसे हाथ नहीं लगे? पैसे गए तो गए, कोई बात नहीं। हाँ, लक्ष्मी ने उस लड़की की जान बचाई, बहुत बड़ी बात हुई। तुम बस अपनी माता की भक्ति करना मत छोड़ना सरिता। देखो क्या हाल कर दिया इस घर का तुम्हारी लक्ष्मी माँ ने। बेटे की हल्दी अधूरी रह गई, दिवाली अंधेरे में कट गई है और शादी के खर्च के जो पैसे थे वो भी खत्म हो चुके हैं। कुछ ज्यादा कृपा नहीं कर रही है तुम्हारी लक्ष्मी माँ हमारे इस घर पे? बेकार की माला जपती हो तुम सविता, बेकार की। याद रखना, तुम्हारे इस घर को मुड़ के भी नहीं देखने वाली तुम्हारी ये लक्ष्मी माँ। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा है, पूरा रतलाम दिवाली की चमक धमक में डूबा है। उसी रतलाम की आपकी सबसे बड़ी भक्त अंधेरे में खड़ी है। माफ करना, आज के दिन आपके लिए बस इतना ही कर पाई। पर एक माँ हूं, बाकी चकाचौंध में मेरे परिवार को भूल मत जाना। आज मेरे घर भी जरूर आना। Thank you.
श्रेया आपके 4 लाख रुपए लीजिए आपके पैसे श्रेया तुम यहां और ये पैसे गद्दे तो जल गए थे ये तुम्हारे पास कैसे आए गद्दे जल गए थे पैसे नहीं मैंने सही वक्त पे गद्दे में से निकाल के अपने पास रख लिए बात है तुमने तो कमाल ही कर दिया सारे पैसे बचा लिए ससुमा ये तो दिवाली बोनंजा हो गया हाँ ये तो बहुत खुशी की बात है आज दिवाली वाले दिन हमारे घर लक्ष्मी आ गई अरे आपको पता नहीं आपने कितना बड़ा काम कर दिया थैंक यू वेरी मच मोहित अरे मैं उसमें से पैसे दे दूं ना वो बिजली लानी है ना वापस अरे तो रात में कौन सा बिजली विभाग वाला बिजली बिल लेने के लिए बैठा हुआ अरे जीजे मैं वो जनरेटर वाले के पास जाकर बिजली का इंतजाम करता हूँ थोड़ा सा दे दे तो थोड़े हिसाब चाहिए मुझे हाँ थैंक यू सविता ये तुम रखो आप सबको भी दिवाली की शुभकामनाएं अब मैं निकलती हूँ अरे नहीं नहीं बेटा हमारे परिवार के ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है तुमने और आज दिवाली का त्योहार भी है तो बिना मुंह मीठा कराए हम कैसे जाने दे सकते आओ नो नो इट्स ओके आंटी मैं चलती हूँ बड़ों की बात मान अम्मा ने कहा ना अंदर चलो तो आ जाओ आ गई कमाल है तुम्हारे कदम रखते ही घर में रोशनी आ गई चल आज फिर से आशा की किरण ने तुम्हारे घर में कदम रखा है सविता अब यही तुम्हारे घर का अंधकार दूर करेगी आज इस शुभ घड़ी में इसने लक्ष्मी बनकर तुम्हारे घर में कदम रखा है और मैं खुश हूं कि तुमने भी घर की लक्ष्मी का आगमन होने दिया है हाँ मां लक्ष्मी की पूजा का मुहूर्त का समय हो गया है घर वालों को बुला लीजिए जी आ जाइए सब लोग पूजा शुरू होने जा रही है क्या हुआ आ जा कितने लकी हो तुम वैभव तुम्हारा कितना बड़ा परिवार है मेरी तो मम्मी भाई बहन भाभी सब मेरे पापा ही है काश मेरी भी एक ऐसी फैमिली होती
लक्ष्मी मैया की जय। आज दिवाली के दिन तुम लक्ष्मी लेके मेरे घर आई हो। हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा काम किया है तुमने। थैंक यू। ये लो बेटा, हैप्पी दिवाली। थैंक यू अंकल। अम्मा समोसा नहीं खाया? अरे रोहित खाएगा भाई, वो मिठाई खाएगा। अम्मा ओ साले साहब, हमारा पेट भर जाता लेकिन मन नहीं भरता। सुबह से 35 से 40 लड्डू खा चुके हो, सामने गेस्ट बैठे यार, पूछ लो जरा। अरे हम तो कब से पूछ ही रहे, पर ये तो ऐसे शर्मा रही है जैसे घर में नई नई दुल्हन आई हो। अरे बेटा शर्माओ मत, लो ले लीजिए, नहीं तो 5 मिनट बाद पछताना पड़ेगा, एक भी नहीं बचने देंगे। अरे अच्छा अंकल, मैं निकलती हूँ। अरे नहीं बेटा, वो बैठो, सविता चाय बना के ला रही, पी के जाना। I'm really sorry, वैभव, so sorry. है यार, लोग बाहर पटाखे जला रहे हैं और तुम यहाँ हाथ जला रहे हो यार। पर कम से कम श्रेया को तो जलने से बचा लिया, वरना तो सारी चाय उस पे गिरने वाली थी। अरे अदिति जा ना, जल्दी से दवाई लेके आ, जल्दी जा। हाँ, हाँ। अरे वो नारियल का तेल लेके आना, उससे ज्यादा आराम मिल जाएगा। नहीं, मेरा सनबर्न वाला लोशन लेके आना, वो बेस्ट रहेगा। रिलैक्स। सविता कहाँ जा रही हो? बाहर के मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ। अदिति जल्दी जल्दी आ गई। एक बार फिर बेटा हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैभव बेटा बाहर तक छोड़ के आओ। जी। अरे क्या साले साहब फिर? अरे यार बर्दाश्त करो जी, ये तो मैं लक्ष्मी माँ की मूर्ति पे चढ़ाने के लिए फूल लाई थी, तुम पे चढ़ गए। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं सविता। तुम्हें भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी माँ हमेशा तुम पे अपनी कृपा बनाए रखे। श्रेया बहुत लेट हो गया है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। छोड़ तो तुमने कब का दिया है वैभव। डोंट वरी, मैं घर पहुंच जाऊंगी। तो कल शादी? हाँ। एक्साइटेड? हाँ एक्साइटेड। नर्वस? उतना ही जितना एक आदमी होता है शादी के एक दिन पहले। खुश? हाँ खुश। ये थोड़ा सोचना पड़ा, मतलब खुश नहीं हो शादी से। खुश कैसे रहेगा?
तुम बार बार उसे टॉर्चर करने जो आ जाती हो। फिर से आ गई मुंह उठा के, बोला था ना दूर रहना। प्रीति प्लीज, श्रेया जा ही रही है, तुम तो रहने ही दो। इससे अगर ऐसे प्यार से बिहेव करोगे ना तो ये तुम्हारी लाइफ से जाने से रही। देख क्या रही हो, निकलो यहां से। चिल्लाओ मत, मैं जा ही रही हूं। ओ प्लीज, मेहरबानी होगी हम पे, वरना वैभव के घर वालों को बुला लूंगी ना तो तुम्हारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम। प्रीति क्या तुम बातों कहां से कहां लेकर जा रही हो, दो मिनट शांत नहीं रह सकती, जा रही है ना श्रेया। ज्यादा श्रेया श्रेया मत करो तुम मेरे सामने, बोलो इसे यहां से चली जाए, बोलो। अगर तुमसे नहीं हो रहा ना तो तुम्हारे घर वालों को ही बुलाती, उनसे ही बुलवाती। वैभव इसे चुनना है तुमने, जो तुम्हारे घर वालों को भी कुछ नहीं समझती। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, तुम धक्के खाके ही मानोगे। हाथ मत लगाना मुझे, दूर रहो। धक्का मारने तो मुझे भी आता है, लेकिन फिर तुम में और मुझ में फर्क क्या रहेगा, इसलिए बेटर है शराफत से मान जाओ। ये मुझे सुना रही हो और तुम कुछ नहीं बोलोगे। प्रीति शट अप। क्या हुआ सविता, तुम कुछ दुविधा में लग रही हो, क्या सोच रही हो? पता नहीं, अजीब सी बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कि आंखें कुछ देख रही हैं पर तुम उसे अनदेखा कर रही हो, जैसे कि तुम्हारा मन तुमसे कुछ कह रहा है पर तुम सुन नहीं पा रही हो, जैसे कि तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों एक ही बातें कह रहे हैं पर फिर भी तुम असमंजस में पड़ी हो। हाँ पर तुम्हें कैसे पता? सविता मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, इतना तो तुम्हारे बारे में जान ही लूंगी। बिल्कुल सही जाना तुमने, ऐसे ही लग रहा है मुझे। आओ दिए जलाते हैं। तुम्हें पता है दिवाली में दिए क्यों जलाते हैं? रोशनी के त्योहार में दिए नहीं जलाएंगे तो और क्या जलाएंगे? हाँ लेकिन दिए जलाकर केवल बाहरी रोशनी नहीं करनी होती बल्कि अपने अंतर्मन को भी प्रज्वलित करना होता है, और प्रज्वलित मन किसी भी प्रकार के भय शंका और संदेह का नाश कर देता है, और फिर मनुष्य को सच साफ साफ दिखाई देने लगता है। क्या सही है क्या गलत है सब समझ में आने लगता है, दिल और दिमाग दोनों का मतभेद मिट जाता है और फिर मन में कोई असमंजस नहीं रह जाती। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने भी अपने मन के दिए को प्रज्वलित कर दिया है? अरे मिठाई का बॉक्स भूल गई। How dare you? तुम मुझ पे ऐसे चिल्ला नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट याद है ना तुम्हें? Enough of it, और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। I know कि तुम श्रेया से प्यार करते हो पर उसकी वजह से तुम हमारी डील नहीं तोड़ सकते। देखो तुम्हें शादी के बाद जो करना है करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, बट तब तक तुम्हें तुम्हारे प्यार को भूलना होगा। इस गाड़ी को मैं ऐसे चमकाऊंगा ना कि माया के रिश्तेदार मुड़ मुड़ के देखेंगे। तेरी वजह से अब मुझे ताना सुनना नहीं पड़ेगा, रिक्शा ऑटो इन सब का। अरे रोहित बेटा क्या चल रहा है? नमस्ते अंकल। वो जरा हाथ अपनी गाड़ी चमका रहा हूँ। अपनी?
बहुत जल्दी अपनी बना लिया तुमने मेरी गाड़ी को। हाँ अरे अंकल ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं किसी को पता नहीं है कि मैंने ये गाड़ी आपसे ली है। देखो बेटा बिल्कुल क्लियर स्पष्ट और साफ साफ कहा करो, तुमने मुझसे गाड़ी ली नहीं, फ्री में ली है। फ्री में ली है, वैसे पेट्रोल भी तो फ्री में मिलता नहीं, तो क्या डलवा पा रहे? अरे नहीं नहीं अंकल वो सब मैनेज हो जाता है, मैं कल ही माया को लॉन्ग ड्राइव पे लेकर गया था, क्या मक्खन की तरह चलती है गाड़ी मेरी अपनी मतलब आपकी। लेकिन आज बहुत चमका रहे हो गाड़ी को, क्या बात है? हाँ अंकल वो क्या है कि माया के रिश्तेदार आने वाले ना, तो उनके सामने जरा इम्प्रेशन के लिए। ठीक है चमकाओ चमकाओ। अरे अंकल आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी कि प्लीज आप किसी को बताना मत कि ये गाड़ी मैंने आपसे ली है। अरे नहीं नहीं बेटा भला मैं क्यों बताऊंगा, ना ना बिल्कुल नहीं। अरे मैंने ये गाड़ी अपना बेटा समझ के दी है, इसलिए एंजॉय करो, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, समझे? नहीं बेटा एक बात का ख्याल रखना, ये शादी सही ढंग से हो जानी चाहिए, अगर इसमें कोई रुकावट आई तो। अरे नहीं नहीं अंकल कोई रुकावट नहीं आएगी, अच्छे से होगी शादी, मैं हूं ना। बस फिर तुम्हारा राज भी राजी रहे, ये शादी अच्छी तरह से हो जाए तो ये गाड़ी तुम्हारी बिल्कुल मुफ्त। ओके बेटा नारियल मैं फोड़ू, मालिक आके गए। पता नहीं यार ये गाड़ी फ्री में है कि नहीं है। सारी तैयारियां ठीक है और शाम को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपको सारा पैसा एडवांस मिल चुका है, तो मेहमानों की जो खातिरदारी है एकदम अच्छे से होनी चाहिए। तुम्हें पता है दिवाली में दिए क्यों जलाते हैं? रोशनी के त्योहार में दिए नहीं जलाएंगे तो और क्या जलाएंगे? लेकिन दिए जलाकर केवल बाहरी रोशनी नहीं करनी होती बल्कि अपने अंतर मन को भी प्रज्वलित करना होता है। वैभव वैभव। हाँ मम्मी ठीक है ना? हाँ तो आजा अदिति के साथ डांस कर ले। अच्छा अरे नहीं नहीं क्या सोच रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं, कब से देख रही हूँ चुपचाप बैठा है लेकिन दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है तेरे, माँ को सब दिखता है। क्या बात है, शादी का दिन है और तू मुंह लटकाए बैठा है। अच्छा बैठ, मन के सुनने के लिए कभी देर नहीं हुआ करती बाबू, कुछ है जो तू मुझे बताना चाहता है? हाँ मम्मी। मन के सुनने के लिए कभी देर नहीं हुआ करती बाबू, कुछ है जो तू मुझे बताना चाहता है? हाँ मम्मी। वो प्रीति शादी के बाद भी काम करना चाहती है और काम के सिलसिले से उसे रतलाम से बाहर जाते रहना पड़ेगा, तो मैं सोचा आपसे पूछ लूं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मम्मी? हाँ तो परेशानी क्या है, काम करना चाहती है तो करे। थैंक यू, मुझे पता था आप यही बोलेंगी। बस यही बात थी। हाँ और कुछ नहीं पूछना था। मम्मी चलो डांस करें, आप भी ना। कैसा लग रहा है? नच रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहे हो। लेकिन ये रॉन्ग है, आपके भाई की शादी है और आपने मुझे नहीं बुलाया, शादी में ही मिल लेते ना,
तुम्हें पता है मेरे पास भी सेम कलर की साड़ी है, यही पहनकर आती मैं भी शादी में। तो ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम वीडियो कॉल करूंगा तो तुम साड़ी पहन लेना, मैं ये कुर्ता पहन लूंगा। क्या हम वीडियो कॉलिंग पे बात करते रहेंगे हमेशा? सुनो मुझे मिलना है। चिल मिलेंगे ना, ये शादी वादी खत्म हो जाने दो फिर तुम्हें बुलाते हैं। किसे बुला रहे हो? किसकी आवाज है? मेरी बहन की आवाज है। बाय बाय बाय। किसकी आवाज है, कौन है? कोचिंग के मेरे दोस्त लोग है ना, वही पूछ रहे थे कि शादी में क्यों नहीं बुलाए। हाँ तो बुला लो ना, तो मैं बुलाऊ। अरे बुला लो मतलब, कैटरिंग का खर्चा देखा है, डैडी जी का ऐसे ही बीपी बढ़ रहा है, और लोग बुला ले। वाह, अरे एक हाथ से बुलाने से कुछ नहीं होगा। एक हाथ नहीं है, वो कोचिंग के स्टूडेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह होते हैं, एक बुला उनके चार चार ऑप्शन होते हैं, भीड़ लग जाएगा। तुम ये सब छोड़ो, हम लोग फोटो खिंचाते हैं। अच्छा ये देखो कैसा लग रहा कुर्ता। बहुत क्यूट लग रहे हो। यही कह रही थी वो। कौन? कोचिंग की सारी मंडली यही कह रही थी, कुर्ता अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है। तुम स्माइल करो ना। हाँ। स्माइल। मिठाई का डब्बा भूल गई थी और सोचा ये वेडिंग गिफ्ट है, उसको दे दूंगी। ओह चलो आओ मेरे से। तुम यहां बैठो, मैं आती हूं। आदिति? हाँ। श्रेया तुम यहां क्या कर रही हो? ये लो। ये क्या है? तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट। बहुत प्यार से लाई हूं, मना मत करना। श्रेया मुझे कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं चाहिए। गिफ्ट तो लेना पड़ेगा। अच्छा एक बार देख तो लो, हो सकता है फिर वापस ना कर पाओ। अच्छा ठीक है मैं ही दिखाती हूँ। मेरी शादी का कार्ड है। तुम शादी कर रही हो? हाँ।
क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारे शादी के कार्ड भी छपे थे ना, अब मैं शादी कर लूं इसलिए मैंने भी कार्ड छपा लिए। एक बार देखो तो सही किसका नाम लिखा है। लड़का पसंद आया कि नहीं? श्रेया संग वैभव, मुझे तो लड़का बहुत पसंद है इसलिए देर नहीं कर रही हूँ, आज ही शादी कर रही हूँ। ये क्या मजाक है श्रेया? बिल्कुल भी मजाक नहीं है। देखो ठीक से देखो, लड़के का नाम, शादी की तारीख और जगह सब लिखा है इसमें। शादी तो तुम्हारी होगी वैभव, लेकिन मुझसे। बधाई हो। दिमाग खराब हो गया क्या श्रेया तुम्हारा? देखो देखो चारों तरफ, मेरा नाम किसी और के साथ छप चुका है, और ये रखो इसे अपने पास। ये सब ट्रिक्स ना मेरे साथ काम नहीं आने वाली। बोला कुछ और जाए और निकले कुछ और, ट्रिक वो होती है। इसमें जो लिखा है वही होने वाला है, तो ये ट्रिक नहीं ये किस्मत है जो मेरी तुम्हारे साथ लिखी जा चुकी है। तुम चाहे मेहंदी से किसी का भी नाम लिखवा लो हाथ पे, किस्मत में तो मेरा ही नाम लिखा है। तुम्हारी ही शादी है, जरूर आना। कब से पूछ रही, चलिए प्लीज प्लीज। रात को ही? नहीं नहीं ठीक है मैं रेडी रहूंगी, आप भेज देना। डन। क्या हुआ, कौन था? मॉम मुझे आज रात को ही निकलना होगा। चलवा आप बता क्या बात है। मॉम वो जो फिल्म की बात की थी ना मैंने जिसमें मेरा रोल फाइनल हो गया, उसकी कल सुबह से ही शूटिंग शुरू हो रही है। क्या? हाँ वो लोग आज रात को ही मुझे लेने आ रहे हैं, कार भेज रहे हैं पिक करने के लिए। पर प्रीति है ना, कितनी कमाल की न्यूज। बस कल से मेरा हीरोइन बनने का सफर शुरू, और आपका हीरोइन की मॉम बनने का। बेटा आज रात को तेरी शादी है, तो कैसे जाएगी? अरे मॉम फटाफट शादी करके निकल जाऊंगी, फटाफट शादी करके निकल जाऊंगी। तुझे क्या मजाक लगता है ये सब? प्रीति शादी के बाद विदा होकर ससुराल भी जाना होता है, उसके लिए टाइम नहीं है मॉम मेरे पास, मैं फेरे लेते ही निकल जाऊंगी। अरे लेकिन डोंट वरी, मैं वैभव से बात कर लूंगी, वो अपनी फैमिली से बात कर लेगा। अच्छा और तेरे पापा, उनसे क्या कहेगी तू? पापा को मेरी शादी करवानी थी ना, बस तब
तक को मेरी शादी हो चुकी होगी, वो भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये सब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। मैं अभी वैभव से बात करती हूँ, डोंट वरी। अरे बेटी, शगुन की मेहंदी तो लगाती जा। लगा ली। बस इतनी सी? इस रिश्ते की भी इतनी सी जगह है मेरी लाइफ में। चलिए हम तो मेहंदी लगाएं, आइए। अरे पर अब डिलीवरी कैसे हो गए भैया, शादी का वेन्यू बगल में थोड़ी है। अरे लेकिन गाड़ी है ही नहीं तो कहाँ से लाओ यार। अरे तुम्हारा दिमाग नहीं है। अरे तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। अरे तुम कुछ भी बोले हो क्या? अरे क्या 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 हो गया? अरे गाड़ी नहीं है। अरे भैया इसने अपना टेम्पो कहीं और बुकिंग में लगवा दिया। कितना सारा सामान पहुँचाना है शादी के वेन्यू में, कैसे पहुँचाएंगे आप ही बताइए। अरे ओ भाई, क्या ये क्या टेम्पो कहीं और क्यों लगा दिया तुमने? सामान के सर पे लेके जाएंगे अभी, तुम फोन करो दूसरा टेम्पो मंगाओ अभी। अरे भैया तब से इनको बोल बोल के दिमाग खराब हो चुका मेरा। अरे टेम्पो अवेलेबल है ही नहीं, हम क्या करें? अपने भाई की शादी पोस्टपोन करवा दे। तुमको मैंने यार तुमसे आर्ग्यू करना मतलब नहीं है, तुम एक काम करो, तुम्हारा जो भी सामान है ना जल्दी लेकर आओ, मैं डिलीवरी करवाता हूँ। ओके जाओ। क्या बात है भैया, आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। टेम्पो चला लेते हो आप? मैं ट्रक भी चलाता हूँ, ट्रेन भी चलाता हूँ, मालगाड़ी भी चलाता हूँ। इधर आ, ये जो लंबी गाड़ी दिख रही है ना, लग्जरी कार मेरी है, सामान इसमें लोड कर और वेन्यू पर पहुंचा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आप नहीं होते तो मेरा क्या होता, आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। थैंक यू अपने पास रख। हाँ, जो टेम्पो को पर आवर बेसिस पे किराया देने वाला था ना, वो मुझे दे दे, और गाड़ी में एसी है टॉप क्वालिटी का, उसके चार्जेस अलग, समझा? पकड़। कमाल करते हो भैया, भाई की शादी में पैसा बना रहे हो। मैं तो पंडित की शादी में पैसा बना सकता हूँ। गाड़ी की चाबी चाहिए? पकड़ पकड़। और सुन, गाड़ी पे एक भी स्क्रैच लगा ना तो उसके चार्जेस अलग, समझा? चल चल चल, कहाँ पे निकल। अरे एडवांस वेडवांस देने की जरूरत नहीं है, पूरा पैसा। अरे अभी काहे का पैसा भैया, डिलीवर तो होने दो। अरे क्या डिलीवर होने दो, नहीं नहीं नहीं, तू पूरा पैसा अभी दे, उसके बाद गाड़ी निकाल। भाई की शादी है भैया, थोड़ा तो लिहाज करिए। एक काम कर, शादी कैंसिल और तेरा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल। अरे नहीं 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 भैया, ऐसा मत करिए प्लीज ना, तू पूरा पैसा निकाल। चल भैया, 2000 रुपया पूरा निकाल। नमस्कार, दूल्हे के जीजा का प्रणाम। साला साहब के वेडिंग डे में आपका स्वागत है। तोहफे और मेहमान दोनों आ चुके हैं, अब आइए आपको मिलवाते हैं हमारी फैमिली से। प्लीज कम। ये है हमारे घर की सबसे बड़ी बहू मिसेस माया, रतलाम की फैशन आइकॉन। बड़े बड़े बैग और करोड़ों के सैक, इनका कोई जवाब ही नहीं। ये क्या हो रहा है? आइए आइए। ये है मेरी वाइफ, मतलब मेरी लाइफ, मेरी हंसती खेलती जिंदगी में कभी भी चुभने वाली नाइट। जितनी खूबसूरत लग रही हैं आप, ऐसा आपको लगता होगा। आइए इनसे पूछते हैं। ये इस घर के बड़े बेटे मेरे साले साहब, इनके बारे में जितना कहो उतना कम, इसलिए कुछ कहते ही नहीं है। इस घर के बड़े डैडी जी और अम्मा यहाँ खड़े। अम्मा जी, आपके पते की शादी है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। डैडी जी का मिलियन डॉलर स्माइल देख के पता चल रहा है आज ये 1.5 घंटे किसी पे नहीं भड़के। चलिए अब आपको उन शख्सियत से मिलवाते हैं जो इस घर पे ही नहीं हमारे दिल पे भी राज करती है। आइए। हमारे घर की लाइफ लाइन, हमारे घर की ऑक्सीजन, दिल की नरम थोड़ी सी सख्त, लक्ष्मी माँ की सबसे बड़ी भक्त, द वन एंड ओनली प्यारी सासू माँ, प्लीज वेलकम। पहले कैमरा बंद कर दीजिए, मुझे शर्म आ रही है भाई। बंद कर दो, बंद कर दो। अच्छा ठीक है, कैमरा बंद कर दिया, आ जाओ बाहर। बंद हो गया, आइए ना। Thank you.
आज भी उतनी ही खूबसूरत लटे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 30 साल पहले ब्याह के आई थी इस घर में। वही मुस्कान, वही सुंदरता और वही शोभा और वही समझ भी। इस घर में जो खुशियां हैं सब इसी की वजह से हैं। मम्मी बहुत प्रीति लग रहे हो, एकदम जूही चावला जैसे। हाँ। ससु मां लुकिंग ब्यूटीफुल। ओ साले साहब दूल्हे राजा, देखो ससु मां कितनी प्यारी लग रही है। हाँ मम्मी बहुत प्यारी लग रही है। उस मक्का उस मंदिर के दर्शन कराते हैं जहां बैठकर मैं आईएएस की तैयारी करता हूं। ए गुरु, क्या कर रहे हो? सर किसका दर्शन करा रहे हो? दर्शन कर रहा हूं। किसका? केबल का? अरे यार यहां बोलना है, फोकस यहां रखना है ना। सर तुमको कैमरा हैंडल करना नहीं आता क्या यार? तुम जाओ जाओ जाओ। नहीं नहीं सर मैं करता हूं ना। नहीं नहीं तुम जाओ ना, मैं कर लूंगा। जाओ आइए हम आपको दर्शन कराते हैं जहां बैठ के। ये देखिए यही वो कुर्सी है जहां। अरे यार Who is calling? Hey, why are you calling? मैं मोहल्ले में आ गई। आप मोहल्ले में? किसके? आपके। मिला ना सरप्राइज? ऐसा क्यों सरप्राइज दे रही हैं आप? मैंने आपसे कहा था ना आप रहने दीजिए। आपके चक्कर में 7 जन्म मुझे वीडियो कॉलिंग पे काटने पड़ेंगे। मैं आ गई हूँ और आपका घर ढूंढ रही हूँ। ये हमको फंसा देगी। अरे यार ये नया मसला हो गया, साले साहब की शादी में हमारी बारात में निकल जाए। सुनिए मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने। कहाँ पे? हाँ श्रेय तू यहाँ? मैं तेरे पास ही आ रहा था। तो क्या किया तूने? अपने और वैभव की शादी का कार्ड छपा दी। पापा आपने ही कहा था ना वैभव अच्छा लड़का है, अगर तुम उससे प्यार करती हो तो उसके लिए लड़ना मत छोड़ना। अरे हाँ तो लड़ेंगे, दोनों मिलकर लड़ेंगे ना, इसमें क्या? एक कार्ड के हजारों कार्ड छपवा देंगे, धूमधाम की शादी करेंगे तेरी। पर बेटा एक बार फैमिली से मिलने तो दे मेरे को, मैं सबको सेट कर दूंगा, यूं मना लूंगा सबको। नहीं पापा, प्यार मन से होता है, मनाने से नहीं। वैभव अपनी मर्जी से मुंह फेर के गया, तो अगर वो सच में मुझसे प्यार करता है तो अपनी मर्जी से ही लौट के आएगा। पापा पता है इसमें क्या है? ये तो मम्मी का दुपट्टा जो आपके साथ फेरे लेते वक्त उन्होंने ओढ़ा था। आज मैं भी वैभव के साथ फेरे लेते हुए यही ओढ़ूंगी। तेरी मम्मी ना आज वहां ऊपर से ही रो पड़ेगी। सुन रही हो क्या बोल रही है बच्ची? शादी हो रही है इसकी, कब इतने से इतनी बड़ी होगी पता ही नहीं चला। अच्छा तुम खुश रहना वहां पे। मैं यहां खुश रहूंगा तो मुझे पूरा यकीन है मेरी बच्ची अपने घर में खुश रहेगी। We'll be a happy family. लेकिन क्या हुआ पापा? एक बात सोच सोच के घबराहट हो रही है मुझे, कहीं वैभव नहीं आया तो? नहीं पापा, आपके साथ साथ आज मम्मी का आशीर्वाद भी मेरे सिर पे होगा। वैभव आएगा
जरूर आएगा। तुम्हारे शादी के कार्ड भी छपे थे ना, अब मैं शादी कर लूं इसलिए मैंने भी कार्ड छपा लिए। श्रेया संग वैभव, मुझे तो लड़का बहुत पसंद है इसलिए देर नहीं कर रही हूँ, आज ही शादी कर रही हूँ। वैभव, क्या तुम यहां क्या कर रही हो? अरे पहले अंदर तो लो। अब बताओ क्या हुआ? सुनो, तुम अपने घर वालों को बोल दो कि जो भी रस्म रिवाज निभानी है ना वो फटाफट निपटाए, बारात फटाफट चढ़ाए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे आज रात को ही निकलना होगा। आज रात को? हाँ, कल से मेरी मुंबई में शूटिंग शुरू हो रही है, सारी तैयारियां हो चुकी है, बस तुम फेरे फटाफट निपटा देना ताकि मैं विदा होके भाग सकूं। प्रीति, ये आप कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना, मुझे पता है मेरी तुम्हारे साथ डील है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो बोलती जाओगी मैं करता जाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना तुमने, तो बस तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। सर, मेरा कैमरा यहाँ रह गया होगा, आपके जीजा जी कैमरा कमरे में लेके आए थे। ये कैमरा? हाँ, ये। हाँ, थैंक यू। हेलो मैम, ये दोनों अंगूठियां जो आपने ऑर्डर किए थे लीजिए। इस पे दूल्हा दुल्हन दोनों के नाम है ना? वही नाम है जो वैभव जी बताकर गए थे, आप चेक कर लीजिए। थैंक यू। सविता, अरे दिव्या, बड़ी सुंदर लग रही हो। तुम भी तो बहुत सुंदर लग रही हो। वैसे मेरा तैयार होना तो स्वाभाविक था, तुम्हारे घर में लक्ष्मी जो आ रही है। क्या हुआ सविता, सब ठीक है? हाँ सब ठीक। और वैभव? मतलब मन का दिया चल गया पर दिमाग की बत्ती अभी तक नहीं जली। कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम दिमाग पर इतना जोर मत डालो, इतने अच्छे से तैयार होकर आए, हम इतने अच्छे लग रहे, फोटो खिंचवाते। अब भैया एक फोटो लीजिए। एक्सक्यूज मी मैम, सारी चीजें आ गई ना, कुछ चाहिए तो बताइए। मंडप भी है, दुल्हन भी है, कन्या दान करने के लिए दुल्हन का पिता भी है, बस एक दूल्हा नहीं है, बिना दूल्हे के कैसे होगी शादी? और इसके साथ मेरी बच्ची का विश्वास भी है पंडित जी कि दूल्हा जरूर आएगा। आप चिंता मत कीजिए, शादी तो होगी, आज जरूर होगी। चलो, तुम्हारे घर में आने वाली लक्ष्मी के आगमन को यादगार बनाते हैं। आप फोटो लीजिए। हो गया मैम। अब दिखा भी दीजिए। मैम वो कैमरा का बैटरी खत्म हो गया है, मैं बाद में दिखाऊं आपको। चलो ठीक है, अंदर आ जाओ, चार्ज करके देख लेते हैं। सविता, मैं फिर कभी आ जाऊंगी।
अरे अभी तो कह रहे थे देखना है, अभी बोल रही हूँ नहीं देखना है। हाँ पर सही समय आने पर मैं तुम्हारे घर में अवश्य आऊंगी, पर आज तो तुम्हें भी बहुत सारे काम है, तुम उन पे ध्यान दो। ठीक है। वो इधर ही यहीं कहीं होंगे, ये लो आ गए। अरे आप जा कहाँ रहे, इधर आइए आइए। आपने बताया नहीं आपकी फ्रेंड भी आने वाली है, आपसे मिलना चाह रही थी। कहाँ थे आप, कब से आपको ढूंढ रही हूँ मैं। विनीता जी आप, क्या जीजी लगा रखा है, विनीता बोलिए ना। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मुझे ना बहुत काम है, मैं जाती हूँ। हाँ अरे आप यहाँ कैसे? यहाँ कैसे, आपसे मिलने आई हूँ और क्या। मिलिए ना, अब आप जाइए। अरे अरे दो घंटे पार्लर में गई, इतना तैयार होकर आई, ऐसे जाइए, अरे भाई की शादी अटेंड करके जाऊंगी। अरे क्या कर रहे हैं आप, वो दो दिन से मुझसे नहीं मिल पाए, शादी वादी के टाइम पे कहाँ किससे मिलने का समय होता है। आपको बाद में मिलवाऊंगा मैं, चलिए। अरे आप लोग अभी तक यहीं पे हो, आपकी दोस्त आई है, ने अंदर लेके जाइए। नहीं नहीं इनको एक और शादी में जाना है। नहीं नहीं बरात थोड़ी देर में निकलने ही वाली है, अटेंड करके ही जाना। लेके जाइए ना। से ड्रेस बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। आपकी भाभी कितनी प्यारी है और आप किसी काम के नहीं है, मैं तुम्हारी भाभी की हेल्प करवा देती हूँ, वैसे भी उन्होंने ही बोला मुझे रुकने के लिए। बाय। अरे तुम्हारे रुकने के चक्कर में मेरी सांसें रुक जाएगी। सासू माँ हो गई बैटरी चार्ज, देख हाँ, सकते हैं फोटो। हाँ मैम ऑलमोस्ट डन, बट्स मैं लगा रहा हूँ। इस पे दूल्हा दुल्हन दोनों के नाम है ना? वही नाम है जो वैभव जी बताकर गए थे। श्रेया बेटी तुम आज शादी की रात को ही कैसे जा सकती हो? अरे मैं इतनी बड़ी फिल्म मिस नहीं कर सकती, ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता। मैम पता नहीं ये क्या लग गया, मैं बंद करता हूँ उसको। रुको चलने दो इसे, तुम जाओ। मैं क्या बोलूंगा लोगों को? आई डोंट केयर, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, सो बस। कॉन्ट्रैक्ट में ना साफ साफ लिखा था कि शादी के कुछ दिन तक तुम यही ही रहोगी, ताकि किसी को शक ना हो। मैं दूसरों क्या बोलूंगा? कर लेना कुछ भी मैनेज, बोल देना कुछ भी। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम भी तो ये शादी नाम के लिए कर रहे हो, तो जाने दो ना मुझे। प्रीति मुझे अपनी नहीं अपनी मम्मी की फिक्र है। हाँ तो ये शादी करके तुम अपनी मम्मी की सबसे बड़ी फिक्र तो दूर कर रहे हो, अपनी दुकान बचाने के लिए तुमने ये शादी के लिए हाँ कही थी, तो बस अपनी कुर्बानी वेस्ट क्यों करना चाहते हो? इसीलिए मैं जैसा कह रही हूँ वैसा चुपचाप करो, इसी में मेरी भलाई है और तुम्हारे घर वालों की भी। नाम की शादी, कॉन्ट्रैक्ट। Thank you.
मम्मी क्या ही है? ये क्या पढ़ रही है अभी? कुछ कुछ भी नहीं है। बोल क्या है? श्रेया को तो आप जानती हो ना, अपनी जिद में कुछ भी करती रहती है, उसी ने छपवाया है। अरे कार्ड छपाने से कुछ बदल थोड़ी जाता है, हमें अपने काम से मतलब कि उसके काम से। अरे चलिए और बारात के लिए ना लेट हो रहे हैं, चलो। कार्ड उसने छपवाया पर ये अंगूठी पे नाम तो तूने दिया था ना, तूने भी श्रेया का नाम दिया। उसने तो ये जिद में किया, तुझे क्या हुआ? मम्मी मम्मी वो गलती से बोल गया हूंगा मैं। जो दिल में होता है जुबान पे अक्सर उसी का नाम आता है। वैसे तो दिल की सच्चाई आंखों में दिख जाती है, लेकिन तू तो बहुत बड़ा कलाकार निकला वैभव, अपनी मां को ही खेल दिखा दिया। बस कर वैभव, पर्दा गिर चुका है, तेरा नाटक खत्म हो चुका है। कहो तो तेरे लिए तालियां बजाओ कि मेरा बेटा अपने परिवार के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रहा है। तू घर का सबसे छोटा है, इतना बड़ा फैसला अकेले कर लिया। तुझे लगा इसमें तेरे परिवार की भलाई है? ये खींच के लगाऊंगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तू जिंदगी भर ये बात अपनी मां से छुपा के रखने जा रहा था। मैं तुझे ये गलती नहीं करने दूंगी वैभव, तू प्रीति से शादी नहीं करेगा। तुझे श्रेया पसंद है ना, तू श्रेया ही इस घर की बहू बनेगी। तू एक बार बोल के तो देखता। अब करने दोगी ना जो मैं जो चाहता हूं? वही होगा जो तेरी मर्जी होगी। तो करने दो मुझे प्रीति से शादी, मैं यही चाहता हूं। तू क्या कह रहा है? प्यार तो कुछ रिया से करता है ना। एक इंसान का प्यार पूरे परिवार की खुशी से बढ़कर नहीं होता मम्मी। नादानी मत कर वैभव, जो तेरा दिल नहीं चाहता मैं तुझे नहीं करने दूंगी। मैं दिल से सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की खुशी चाहता हूँ, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी शादी आज ही होगी, वो भी प्रीति से।
आज बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मेरे साथ डांस करने में। क्यों? तुम्हारे साथ डांस करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो किसके साथ आएगा? हमारा कोई भरोसा नहीं। उस दिन संगीत में कैसे तुम रूपल को फूल दे रहे थे देखा मैंने। अरे यार फूल तो मंदिर में पंडित भी देता है, वो भी प्रसाद के साथ। कहां तक गया थोड़ी है कि उसके दिल का फ्लावर हो गया। मेरे दिल का फ्लावर तो तुम ही हो डार्लिंग। लेट्स डांस। अब तुम्हें क्या हुआ? फिकर मत करिए पापा, वैभव जरूर आएगा। चलो बेटे की बारात निकल रही, चलो। पंडित जी ने कुछ सामग्री मंगाई है मैम। पापा चलो ना, डांस कर देना। मम्मी ना, चलो चलो चलो। तुम्हारी चाबी सविता मुझे वहां पड़ी हुई मिली। तुम कहीं जाने का सोच रही हो? मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? वैभव हमेशा कहता था कि वो आपसे कितना क्लोज है, बिना बोले एक दूसरे की बात जान लेते हो। फिर इस बार क्या हुआ आंटी? अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कि आपने कुछ देख ली पर तुम उसे अनदेखा कर रही हो। सही कहती थी तुम, मैं नहीं देख पाई सही और गलत। आंखों में पर्दा लगा हुआ था लेकिन अब बात इतनी आगे जा चुकी है कि मैं अब खुद पीछे हटने को तैयार नहीं है। मेरी गलती की सजा वो भुगतने जा रहा है, वो भी खुशी खुशी। एक बेटा होने के सारे कर्तव्य निभा रहा है लेकिन मैं एक माँ के कर्तव्य निभाने में फेल हो गई। दिव्या मैं कैसे नहीं पढ़ पाई कि वो प्रीति से नहीं श्रेया से प्यार करता है। और अगर पढ़ लेती तो क्या करती? लड़ जाती पूरी दुनिया से। लेकिन अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होने से बचाती। पर अब क्या करूं? मेहमान आ चुके हैं, बारात चढ़ चुकी है, मंडप सज चुका है, बहुत देर हो गई है। देर तो हो गई पर तुम भाग्यशाली हो क्योंकि अभी भी
बहुत देर नहीं हुई। और सही कहा तुमने, मेहमान आ चुके हैं, बारात चढ़ चुकी है और मंडप भी सज चुकी, लेकिन फेरे अभी भी बाकी है सविता।